तो ये है Redmi का 7 और इसके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, इसका टिप्स एंड ट्रिक्स और गेमिंग रिव्यू और साथ साथ उसका अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर अब तक आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक क्विक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, डुअल सिम के ऊपर। जी हाँ, डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है कि नहीं, और बहुत सारे भाइयों को पता होता है कि डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत सारे भाइयों को दिक्कत भी होता है उसमें सेटिंग करने में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि नोट 7 में भी जब मैं वीडियो छोड़ा था तो बहुत सारे भाइयों ने अप्रिशिएट किया था और बताया था कि उनको ये सब प्रॉब्लम हो रहा था, उस वीडियो की तरह उनको थोड़ा हेल्प हो गया था। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और ये वीडियो सबके लिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे भाइयों को पता भी होता है कैसे काम करता है ये। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, टेकी पॉइंट के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि बताया, ये है Redmi का 7 और मेरे पास है यहाँ पे, पहले तो आपको एक सिम ट्रे इसका दिखा देता हूँ किस तरह का है। तो यह है इसका सिम ट्रे, यहाँ पे आप एक माइक्रो एसडी कार्ड और साथ साथ दो आप नैनो सिम लगा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे कुछ तो अलग किया है Redmi का, जो सब ब्रांड जो है, क्योंकि Redmi का जितना ही फ़ोन पिछले आ रहे थे, नोट 7 हो गया, नोट 7 प्रो हो गया, उस सब में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सिम स्लॉट मिलता है। जी हाँ, ये हाइब्रिड नहीं है, ये एक साथ आप दो सिम कार्ड और साथ साथ आप एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। और उसके साथ मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है मेरे पास दो जियो सिम, आप देख सकते हैं। तो ये है दो जियो सिम, आप थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए, तो दोनों 4G वोल्टी सपोर्टेड है। और मैं इसको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा आपको काम करता है कि नहीं। तो जल्दी से मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं इसको लगा दिया और इस तरह भी आपको अंदर ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन टू फेस। जी हाँ, इसका फेस जो है स्क्रीन की तरफ ही रहेगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये स्क्रीन है, ऑन किया हुआ हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ पर पुश कर लेता हूँ। तो ये अभी पुश कर दिया हूँ और ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क दिख जाएगा। तो जब तक ये नेटवर्क आ जाता है, मैं तब तक कुछ आपको यहाँ पे सेटिंग में दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में छोड़ दिया था इसको, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दो जियो सिम है मेरे पास, यहाँ पे डाटा ऑन है, डुअल 4G, इसको ऑन करना है हमेशा, नहीं तो यहाँ पे आपको 4G कनेक्टिविटी दोनों में नहीं दिखाएगा। और ये देख सकते हैं, एक नेटवर्क आ चुका है और दूसरा भी आना ज़रूरी है, आ जाएगा दोनों। और यहाँ पे ऊपर पे भी आप देख सकते हैं, आपको VoLTE LTE दिखा रहा होगा। जी हाँ, VoLTE आपको दिख रहा होगा। तो ये आ चुका है, तो इसको आपको ज़रूर से ऑन करना है, डुअल 4G को। ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, अगर नहीं भी होगा तो आप ऑन कर देना है इसको। उसके बाद आता है यूज मोबाइल डाटा ड्यूरिंग VoLTE कॉल ऑन द सेकेंडरी सिम, यानी कि दो जियो सिम। ये देखिए आप नज़दीक से आप देख सकते हैं, दोनों में आपको VoLTE दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला ऑप्शन को भी ऑन करना है। तो इससे क्या होगा, अगर आप एक सिम में जो कि 4G VoLTE है और दूसरा भी 4G VoLTE है, तो एक में आप बात कर रहे हैं तो दूसरा जो फ़ोन है उसमें भी आपको, एक में नेट कर रहे हैं तो दूसरे में कॉल आ सकता है। ये सबको आपको ऑन करना है। जी हाँ, यहाँ पर आप इसको ऑन कर देंगे। तो जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो इस तरह का वर्क करेगा ये, एक में नेट हो सकता है और दूसरे में VoLTE कॉल भी आ सकता है। जनरली क्या होता है, अगर आप एक में नेट कर रहे हैं तो VoLTE कॉल दूसरे सेकेंडरी सिम में नहीं आएगा, लेकिन इसको ऑन करने के बाद दोनों में आपको VoLTE मिल जाएगा। और तुरंत ही ये सब सेटिंग आप देख लीजिए, जो भी Redmi Note 7 में जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा था वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का OS सॉफ्टवेयर सेम है, तो आप दोनों का एक साथ देख सकते हैं। तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा था, जो भाई पूछ रहे थे कि नोट 7 में आपका VoLTE नहीं दिखा रहे, तो भाई ये सब पहले चेक कर लेना, और अगर आपका 4G सिम है तो ज़रूर से वर्क करेगा वो, तो ये सब पहले चेक कर देना। और आप रोमिंग में है तो रोमिंग को भी ऑन कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे दोनों में 4G VoLTE दिखा रहा है। तो ये एक बात बताना था जो कि बहुत सारे भाइयों ने पूछा था कि नोट 7 में उनका प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस वीडियो को देख के भी वो समझ सकते हैं। तो नेट यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और एक बात आपको दिखा देता हूँ वीडियो को ख़त्म करने, क्योंकि वीडियो में हो गया जितना दिखाना चाहता मैं दिख गया। और एक बात आपको दिखा देता हूँ, जो कॉल का नेटिव कॉल बहुत सारे पूछते हैं भाइयों कि नेटिव वीडियो कॉल है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको नेटिव वीडियो कॉल है कि नहीं। तो जो भी भाइयों पूछ रहे थे कि इसमें नेटिव वीडियो कॉल होता है कि नहीं, तो होता है भाई। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, जब आप कॉल करेंगे कोई रिसीव करेगा, तब अगर उनका सिम में वही सेम फैसिलिटी होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों Redmi 7 का डुअल 4G VoLTE टेस्ट। यहाँ पे अच्छी तरह से काम कर सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डुअल 4G VoLTE सपोर्ट दिखा रहा है, और बहुत सारे भाई को पता होता है, जिनको नहीं पता था ये वीडियो उनके लिए था। और एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में आपको क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर जाना है और ये सब चीज़ को पहले ऑन करना है,
तीनों चीज़ को, और उसके बाद आपको देखना है नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं, और जिसका प्रॉब्लम हो रहा था रेडमी नोट 7 में, उनको भी ये सब स्टेप फॉलो करना है तो शायद से उनका वर्क कर जाएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ इस फ़ोन के बारे में हेल्प हो गया होगा और इन्फॉर्मेशन भी मिल गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। मेरा नाम है सुमन, आप देखते हैं टेकी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।